इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के इंग्लिश रोज के चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम जॉन सर्ड, मैं जान का हृदय हूँ, जिसके ऑथर जेडी रेडक्लिफ जी हैं, जिनका पूरा नाम जॉन डररी रेडक्लिफ है, जिस जान हुआ जिसे डररी, तो जिनका पूरा नाम जॉन डररी रेडक्लिफ है के पैराग्राफ 14 को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम चैप्टर 5 के पैराग्राफ 14 पर। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर। हिज ऑफिस, उसका जो कार्यालय है किसका, जॉन का। जॉन का हृदय कहता है कि हिज ऑफिस, उसका कार्यालय इज ऑन द 10th फ्लोर। 10th मिस 10वें, फ्लोर मिस महले पर है। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, उसका कार्यालय 10वें तल पर है या 10वें महले पर है। बट ही कुड वॉक अप टू द फर्स्ट टू फ्लाइट्स एंड देन टेक द लिफ्ट। बट, लेकिन ही कुड वॉक अप, वह चलकर जा सकता है द फर्स्ट टू फ्लाइट्स, पहले दो महले पर, एंड देन, और तब टेक द लिफ्ट, लिफ्ट की सहायता ले सकता है। हिज ऑफिस इन ऑन द 10th फ्लोर, उसका कार्यालय 10वें तल पर है। बट ही कुड वॉक अप टू द फर्स्ट टू फ्लाइट्स, लेकिन वह पहले दो महले तक चलकर जा सकता है, एंड देन टेक द लिफ्ट, और इसके बाद लिफ्ट की सहायता ले सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट, लिटिल मिस छोटी, थिंग्स मिस कार्य, इस प्रकार के छोटे कार्य, लाइक मिस प्रकार के, तो इस प्रकार के छोटे कार्य, दैट वुड डू ए लॉट, उसके लिए बहुत कुछ करेंगे। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट, इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य उसके लिए बहुत कुछ करेंगे। एज आई सेड, एज मिस जैसा कि, आई मिस मैंने, सेड मिस कहा, एज आई सेड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा या जैसा कि मैंने कहा, फैटी डिपोजिट्स, फैटी मिस वसा का, डिपोजिट मिस जमा, आर ऑलरेडी, पहले से ही, बिगनिंग शुरू हो चुका है, टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, और जो ब्लॉक मिस बंद कर चुका है, सम ऑफ माई आर्टरीज, मेरी कुछ धमनियों को। एज आई सेड, जैसा कि मैंने बताया, फैटी डिपोजिट्स आर ऑलरेडी बिगनिंग, वसा का जमाव पहले से ही शुरू हो चुका है, टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, और वह मेरी कुछ धमनियों को बंद कर चुका है। बट रेगुलर एक्सरसाइज, बट लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन का जो व्यायाम है, वुड काज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप। बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन प्रतिदिन का व्यायाम, वुड काज, कारण बनेगा, न्यू ब्लड पाथवेज, नए रक्त के रास्तों का, टू डेवलप में, विकसित करने में। बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन प्रतिदिन किया जाने वाला व्यायाम, वुड काज न्यू ब्लड पाथवेज, नए रक्त के रास्तों को खोजेगा या टू डेवलप, उन्हें बनाएगा। बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन प्रतिदिन का व्यायाम, वुड काज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, नए रक्त के रास्तों को विकसित करेगा। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन, देन, तब इफ वन आर्टरी, यदि एक धमनी क्लोजेस डाउन, बंद हो जाती है, देयर आर अदर्स टू नरिश मी, देयर आर अदर्स, दूसरी होगी टू नरिश मी, जो कि मुझे पोषण प्रदान करेगी। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन, तो यदि एक धमनी बंद हो जाती है, देयर आर अदर्स, तो एक दूसरी होगी टू नरिश मी, जिससे मैं पोषण प्राप्त करूंगा। फिर से देख लेते हैं। हिज ऑफिस इज ऑन द 10th फ्लोर, उसका कार्यालय 10वें तल पर है। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट टू फ्लाइट्स, बट ही कुड वॉक अप टू द फर्स्ट टू फ्लाइट्स, लेकिन वह पहले दो महलों तक चलकर जा सकता है, एंड देन, और तब टेक द लिफ्ट, लिफ्ट की सहायता ले सकता है। लेकिन वह पहले दो महले तक चलकर के जा सकता है, और तब लिफ्ट की सहायता ले सकता है। लिटिल थिंग्स लाइक दैट, इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य, वुड डू ए लॉट, उसके लिए बहुत कुछ करेंगे। लिटिल थिंग्स लाइक दैट वुड डू ए लॉट, इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य उसके लिए
बहुत कुछ करेंगे। एज आई सेड, जैसा कि मैंने बताया, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगनिंग, वसा का जमाव, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगनिंग, वसा का जमाव पहले से ही शुरू हो चुका है। टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, और वह मेरे कुछ धमनियों को ब्लॉक बंद कर चुका है। एज आई सेड, जैसा कि मैंने बताया, फैटी डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी बिगनिंग, वसा का जमाव पहले से ही शुरू हो चुका है। टू ब्लॉक सम ऑफ माई आर्टरीज, और वह मेरे कुछ धमनियों को बंद कर चुका है। बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन प्रतिदिन का व्यायाम, वुड काज न्यू ब्लड पाथवेज टू डेवलप, नए रक्त के रास्तों को विकसित करेगा। देन इफ वन आर्टरी क्लोजेस डाउन, तो यदि एक धमनी बंद हो जाती है, देयर आर अदर्स, तो दूसरी उत्पन्न होंगी टू नरिश मी, जो कि मुझे पोषण प्रदान करेंगी। बट रेगुलर एक्सरसाइज वुड कॉज न्यू ब्लड पाथवेज लेकिन टू डेवलप, लेकिन प्रतिदिन का व्यायाम नए रक्त के रास्तों को विकसित करेगा। देन इफ वन आर्टरी क्लोज डाउन, तो यदि एक धमनी बंद भी हो जाती है, देयर आर अदर्स टू नरिश मी, तो एक दूसरी होगी जो मुझे पोषण प्रदान करेगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब बगल बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना है, दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद अभी तक मैंने क्लास 12 की इंग्लिश के इंग्लिश रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उनके वीडियोस आपको मेरे वीडियोस बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फायदा ये होगा, इसके बाद जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो की लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। बेल आइकन दबाने से जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो की नोटिफिकेशन लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने चैप्टर 5 पर जितने भी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियोज को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।